हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए पैरा एशियन गेम्स से रिलेटेड। बहुत ध्यान से इसकी नाम, इसकी स्पेलिंग को आप देख लीजिए, पैरा एशियन गेम्स, ठीक है ना। नॉट एशियान, एशियान नहीं, एशियन गेम्स, ठीक है ना। तो पैरा एशियन, पैरा मिले आप जानते हैं कि पैरालंपिक्स जो होते हैं, पैरालंपिक्स का मतलब है कि जो ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से स्पेशली एबल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड को कहने में अच्छा टर्म लगता है, लेकिन जनरली वो डिसेबल्ड होते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन ऑफ द बॉडी से रिलेटेड। जैसे कि किसी के पास हो सकता है हाथ में कोई दिक्कत हो, है ना, किसी के पैर में कोई दिक्कत हो, या पैर हो ही ना उसके पास, किसी को देखने में कोई समस्या हो रही हो। तो इस तरीके के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी ये ओलंपिक कमेटी जो हमारी है उसने सुविधा कर रखी है, और उन लोगों के लिए गेम्स स्पोर्ट्स की ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो 2022 में ये होना था, लेकिन 2022 में पॉसिबल नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड। तो इसको अब करवाया गया है पैरालंपिक्स, और ये फोर्थ एडिशन है इसका। इससे पहले के चार एडिशन भी आ चुके हैं, है ना। अब देखिए ये हुआ कब कब था, इसको आप यहाँ पे जान लीजिए। इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि देवर और शेड्यूल्ड फ्रॉम दिस 9th of October टू 15th of October 2022, लेकिन वो हो नहीं पाया कोविड-19 की वजह से। तो पहला क्वेश्चन तो ये एक इम्पोर्टेंट बनता है। फिर इसके बाद इसका जो मैस्कट है, जो इस बार हुआ है 2023 में जो हुआ है अभी अक्टूबर में 22 से 28 तक, तो उसमें ये जो है फीफी इसका मैस्कट है। डिवाइन बर्ड होती है ये, एक डिजिटल डिवाइन बर्ड फ्रॉम द लोकल लियांगहू कल्चर, जो भी कहना चाहे आप, चाइनीज़ में इसका नाम है। अब चाइनीज़ भाषा तो हमको आती नहीं है, तो जैसा भी आप कहना चाहें। अब इसके बाद हम लोग देखें कि ये हुआ कहाँ पर था, तो ये क्वेश्चन दूसरा बनता है इसका। इंडियन एथलीट्स ये एशियन पैरा गेम्स 2023, हैंगझो जो भी कहना चाहे, हैंगझो, ठीक है ना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये हैंगझो वहाँ पे एक सिटी है, उसमें वहाँ ये हुआ था, और इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त इसमें परफॉर्मेंस किया है। इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इंडिया के पर्सनली अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक दिया है। 111 मेडल्स, जिसमें से कि 29 गोल्ड। ये हमेशा पूछा जाता है कि नहीं भी, चाहे आप वो स्टेट PCS हो, चाहे कहीं पे भी वन डे एग्जामिनेशन, तो 29 गोल्ड इसने जीते हैं फोर्थ एडिशन में, 31 सिल्वर मेडल एंड 51 ब्रोंज मेडल। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे टोटल 111 मेडल्स इसमें जीते हैं, और 111 मेडल जीत करके इंडिया, ठीक है ना, ये फिफ्थ पोजीशन पे लगभग आया है। अब देखिए, इंडियाज़ बेस्ट एवर मेडल टैली एट द कॉन्टिनेंटल मीट, सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड हॉल ऑफ 72। तो इससे पहले जो थर्ड एडिशन था उसमें केवल 72 मेडल जीते थे, और इस बार 111 मेडल जीते हैं। इस 111 मेडल में भी इसने तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसने क्या किए, तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो ये भी स्पेशली जेवलिन थ्रो में। तो ये तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने यहाँ पे तोड़े हैं। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, 303 एथलीट्स इंडिया ने भेजे थे, ठीक है ना, जिसमें से कि हमारे पास ये 191 मैन थे, 112 वुमेन थी, ठीक। और अक्टूबर 22 से 28 तक ये चला था। एट द 2018 एशियन पैरा गेम्स इंडिया हैड सेंड 190 एथलीट्स। अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सरसरी निगाह में एक याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और वीमेन से संबंधित कोई भी बात हो वो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो 112 वीमेन, देखिए 111 मेडल और 112 वीमेन की टीम यहाँ पे इंडिया की तरफ से गई थी, ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर इसके बाद इंडिया की जो पोजीशन आई है वो फिफ्थ आई है, मैंने अभी बताया था इंडिया की पोजीशन इसमें फिफ्थ आई है। और सब पहले नंबर पर कौन है, चीन, ठीक है ना, चाइनीज़, फिर उसके बाद ईरान। अब देखिए ईरान भी है इसमें, अच्छा ये याद रखिएगा, एशियन कंट्रीज़ ही इसमें आएंगी। अब आप सोचेंगे अमेरिका वगैरह, तो ये सब इसमें नहीं आएंगे, इस वजह से इनका नाम उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ ओनली, उन्हीं के लिए ये है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप देखिए चाइना के मेडल्स देख लीजिए, चाइना ने 521 मेडल्स जीते हैं, 214 इसमें गोल्ड मेडल उसके आए हैं। तो 111 इंडिया के हैं और चीन के कितने हैं, 521। अब आप इसी से स्तर का पता लगा सकते हैं कि चीन में किस स्तर से गेम्स को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे ये पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ये पिक्चर, और जब भी कोई चीज़ वायरल होती है तो यूपीएससी का उन सब दिशाओं में ख्याल स्पेशल फोकस आ जाता है। तो ये लड़की बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि ये अपने आप में एक कला है। देखिए इसके पास हाथ नहीं है लेकिन उसके बाद भी ये धनुष बाण, आपको पता है कि यहाँ पे अर्जुन जैसे लोग हुए हैं है ना, अभिमन्यु, अर्जुन, एकलव्य, कर्ण, तो सब आर्चरी में ही माहिर थे, मतलब कि धनुष विद्या। तो धनुष विद्या में हमारा देश शुरू से चला आ रहा है, और आप अपने भगवानों को भी देखते होंगे धनुष लेकर के चलते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई है लड़की, ठीक है ना। क्योंकि इसने ये देखिए पैर से ये पूरा निशाना लगा रही है, और सिल्वर मेडल भी इसने क्या किया है यहाँ पे विन किया है। अब आप देखेंगे इसको इसको देखिए ये है ना, ये सब वीडियोस जो है, ये सब वीडियोस और इसके जो फोटोज़ हैं वो वायरल हुई थी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है शीतला देवी, ठीक है ना। तो ये जो लड़की है इसका नाम है शीतला देवी। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम किया है। एंड राकेश कुमार, ये दूसरे हैं आपके राकेश कुमार, कम्पीट एट द मिक्स्ड टीम कंपाउंड। तो शीतला देवी प्लस राकेश कुमार, ये दोनों अभी मिक्स टीम में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टीम इवेंट रहा होगा ये, तो उसी में ये आए हैं। तो आपको याद रखना है इस लड़की का नाम शीतला देवी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे ये वीडियो, ये ऑडियो, ये फोटो भी वायरल हुई है। ये बाहुबली जो है हमारे, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट किया था, कॉन्ग्रेचुलेटिंग नीरज यादव, ठीक है ना। ये नीरज यादव हैं, नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज यादव। तो नीरज यादव हैं, इन्होंने भी क्या किया है, विक्ट्री इन मेंस जेवलिन थ्रो। देखिए भाला फेंक में भारत बहुत आगे निकल रहा है, फेंकने में भारत जो है बहुत आगे निकलता चला जा रहा है। तो सब प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर्ड हैं। तो अब देखिए, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको ट्वीट भी किया है कि फेंकने में ये, मतलब भाला फेंकने में ये बहुत आगे गए, और देखिए इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ऐसा फेंका कि गोल्ड मेडल आ गया। तो ये यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम भी याद रखना है आपको। क्या नाम है इनका, नीरज यादव, ठीक है, नीरज चोपड़ा नहीं, वो भी फेंके थे नीरज चोपड़ा भी ओलंपिक। अब देखिए यहाँ पे ये आपको मैंने ये लिस्ट भी दे दी है, चाइना पहले नंबर पे है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दूसरे नंबर पे है। तो पहले वाले का ही याद रखा जाता है, दूसरे तीसरे को तो कोई पूछता नहीं, और फिर अपना प्यारा भारत महान इसको पूछेंगे ही। तो ये हमारे पास 111 मेडल्स टोटल आए हैं, 29 गोल्ड। गोल्ड मेडल जनरली पूछे जाते हैं कि कितने गोल्ड आते हैं, ठीक, गोल्ड के बेसिस पे ही रैंकिंग बनती है। अगर आपने कभी स्पोर्ट्स खेला हो, नहीं खेला हो तो फिर आप फिर क्या फेंक पाएंगे, कुछ नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से इसको याद रखना है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मैंने इसलिए शुरुआत में भी आपसे कहा था एशियन और एशियन में फ़र्क होता है। तो ये 2023 एशियन गेम्स भी हुए हैं। अब एशियन जो नेशंस हैं उसमें केवल एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, तो इसमें इंडिया नहीं आता है, इंडिया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में नहीं आता है। तो ये अलग कॉम्पिटिशन है, इस कॉम्पिटिशन को कहीं आप इसके साथ मिक्स ना कर देना, फोर्थ एशियन के साथ इसको कभी भी मिक्स ना कर देना, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंबोडिया, यहाँ पे कंबोडिया 2023 करके भी बोला जाता है इसको, एशियन गेम्स को, और 32nd सी गेम्स भी इसको कहते हैं, 12th एशियन पैरा गेम्स भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्थ एशियन गेम्स है, फोर्थ एशियन गेम्स है, और ये जो बात हो रही है ये 12th एशियन गेम्स है। तो ये पूछा जाना संभव नहीं है क्योंकि इंडिया का कोई कंपटीशन हो तो उसमें इंडिया से ही संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी हमको याद रखना है, ठीक है ना, कि इसके साथ कंफ्यूज़ ना होइएगा, कहीं ऐसा ना क्वेश्चन आ जाए कि फोर्थ एशियन इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंबोडिया 23, तो ये चीज़ कहीं आप गलती में ना आ जाइएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्थ एशियन गेम्स वर हेल्ड एट कंबोडिया, तो इसमें फिर आप गलतफहमी में मत आइएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बाकी तो और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं उतना, बस आपको यही चीज़ें इसमें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी केवल उसी के बारे में बताऊँगा, और आप यकीन मानिए, पूरी गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है कि 100 में से 90% आपके पास कहीं ना कहीं जो मैं क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे टॉपिक कवर कर लूँगा उसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनेशन में देखने को 100% तो
तो नहीं 90% कह सकते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।